जय हिंद बच्चों, मेरे पास में बहुत बार क्वेरी आती है जहां पे बच्चे बोलते हैं कि सर स्पॉटिंग द एरर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और बताइए कैसे करें इसके ऊपर में। मैं बच्चों को बताता हूं कि देखिए स्पॉटिंग द एरर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्या ज्यादा ज्यादा 15 आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस 15 क्वेश्चन के लिए आप 2-3 महीने लगाओ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में आता है कि नहीं सर 10-15 नंबर भी हम क्यों 10-15 क्वेश्चन भी हम क्यों छोड़ें। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके लिए एक सबसे सही तरीका है, क्या है, ग्रामर के कुछ मेन टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। वर्ब से जुड़ा है आपका टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन का कंसेप्ट, नाउन का कंसेप्ट, ये सारा वर्ब के अंदर में फॉलो होता है। तो वर्ब अगर टॉपिक को अगर आपने बढ़िया तरीके से कर लिया तो 10 में से बड़े आराम से 5-6 स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। और इन टॉपिक्स को करने में ज़्यादा ज़्यादा 4-5 दिन लगेगा। और मैं बताना चाहूँगा इन टॉपिक्स को मैं अपने इस चैनल डिफेंस आरथी पे भी कराऊंगा। SP बख्शी जो पूरी बुक है वो आपके इस चैनल डिफेंस आरथी पे कंप्लीट होगी। तो ग्रामर के ये चीज़ें हैं, तो अगर आप ये स्मार्ट वे चलाओगे तो स्पॉटिंग द एरर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको टारगेट स्पॉटिंग द एरर के मेन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, आप ज़्यादा उसको एक्सपेंड मत कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हो कि आप डीप में चले जाते हो, जिसका जानना ही जिसका जानना जरूरी ही नहीं है वो मत कीजिएगा। मेन टॉपिक्स वर्ब से रिलेटेड जो उसके सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लीजिए, बड़े आराम से आप 60% क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के कर लोगे, काफ़ी है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप 50 out of 50 क्वेश्चन का टारगेट करोगे, इतना अगर कर लोगे वो कैब में तो मार्क्स सही हैं, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से अगर आपने स्पॉटिंग द एरर के अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगा दोगे तो बड़े आसानी से आपका स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस अधिकांश सही हो जाएंगे। और जल्दी ही मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, अगेन 162 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, 162 ग्रामर के वो टॉप रूल्स मैं डिस्कस करूंगा जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर उनको आपने कर लिया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तरीका अपनाइए, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस मैं अनअकैडमी ऐप पे भी कराता हूँ, तो आप जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। मेरा रेफरल कोड है DEFS10, ये DEFS10 रेफरल कोड एंटर करते हैं तो आप मेरी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, और मेरी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप खूब सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको एक परफेक्टिफुलर एक प्रोफेशनल आपको बैच कोर्स में जाना है तो आप वो बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू, ठीक है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप कीजिए, इस कम्युनिटी से जुड़िए, अनीश पाठक सर को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल डिफेंस आरथी को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो सपना है NDA में इस बार सिलेक्शन, ये ज़रूर पूरा होगा। जय हिंद।